मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सतना जिला के रेगांव में दौरे पे एक महिला अचानक से चबूतरा से कूद पड़ी और मुख्यमंत्री के चरणों में गिर गई। लोग चौंक गए, सुरक्षा के लोगों ने भी सोची कि अचानक पता नहीं जो का हो गो, लेकिन ये महिला पहले तो चबूतरा से कूदी, मुख्यमंत्री के चरणों में कूदी और उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने इनको उठाओ तो पतो चले कि इनकी ना तो कोनू मांग है ना कोनू समस्या, बल्कि जे तो अपने द्वारे पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देख के खुशी के मारे चबूतरा से कूद गई, मुख्यमंत्री के पांव पड़न लगी और फिर मुख्यमंत्री ने इनको गले से लगा लो। जरा देखो आप मध्य प्रदेश की सियासत की एक संवेदनशील तस्वीर, जिते मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के गले लगी एक आम महिला केवल उनसे मिलवे के लाने, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनो भैया मान के उनको आशीर्वाद लेवे के लाने। आदि नहीं तूफान है मध्य प्रदेश किसान। मोबाइल नीचे कर सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व। भैया कैसे नीचे कर ले यार, फिल्म कहाँ बनाए? इस संकल्प के साथ मनाए कि हमारे अंदर भी अगर कोई बुराई हो तो उसको भी हम जला के राख करें, समाप्त करके विजय के इस पर्व को सार्थक करें। आज विजयादशमी के दिन ही भारतीय जनता पार्टी ने चारों उपचुनाव में विजय का संकल्प भी लिया है और मेरे सहित अनेकों कार्यकर्ता आज अलग अलग गांव में जनता का आशीर्वाद मांगने गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को भी हम लोग, झंडे को भी हम लोग लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ कांग्रेस वो है जिसने केवल विनाश किया, पहले 50 साल और बीच में 15 महीने। सारी एक एक योजना जो लोगों के भलाई और कल्याण के लिए थी, गरीबों की, किसानों की, बेटा बेटियों की, माताओं बहनों की, सब बंद कर दी थी। संबल से लेकर सारी योजनाएं बंद थी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कमलनाथ जी जैसे नेता, उनको विकास और जनकल्याण से लेना देना नहीं है, लेकिन कहते मैं तो बहुत पहले से सांसद हूं, जब बीजेपी के अध्यक्ष नेकर पहनते थे। नेकर पहनने वाले अब सक्षम नेतृत्व कर रहे हैं तो कमलनाथ जी को तकलीफ हो रही है, अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं, जनता के बीच जाते नहीं, केवल ट्विटर बाहर खेलते हैं, ट्विटर। जनता के बीच जाओ, लोगों की भलाई के काम करो। जब तुम थे तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया मध्य प्रदेश को, सारी योजनाएं बंद कर दी, गरीबों के कफन तक के 5,000 रुपये छीन लिए। आज केवल आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति करते हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मुझे पूरा विश्वास है रेगांव विधानसभा क्षेत्र में भी भारी बहुमत से जीतेंगे। सियासत के कई सारे रंग हो सकते हैं और आलोचना के भी बहुत सारे मुद्दा हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि मामा शिवराज सिंह चौहान महिलाओं और बच्चों में अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं। आपकी राह देख रहा है एकलव्य यूनिवर्सिटी में, चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, पीएचडी,
आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव यूनिवर्सिटी सागर रोड तक। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाव ना भूलें। संगे फॉलो करें बुंदेली बौछार के फेसबुक पेज को।